हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्लायर। तो सप्लायर क्या है? सप्लायर एक प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस है। जैसा कि आपको पता है कि कंज्यूमर एक प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस है, तो सप्लायर इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस लाइक कंज्यूमर, और वो भी java.util.function पैकेज के अंदर में है। और इसके अंदर भी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस है, तो ऑफ कोर्स एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम है गेट, और ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है। तो सप्लायर कैन बी यूज टू सप्लाई सम वैल्यू बेस्ड ऑन सम ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन करके कोई वैल्यू आप सप्लाई करो, राइट? सप्लायर वॉन्ट टेक एनी इनपुट एंड इट ऑलवेज सप्लाई ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ आप देखोगे तो सप्लायर इंटरफेस है जो कि एक आर रिटर्न टाइप है लेगा, और देन यहाँ पे आप उसके अंदर एक गेट मेथड है जो कि रिटर्न आर करेगा, राइट? अगर आप इसके जावा डॉक्स को देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप देखो सप्लायर इंटरफेस, टी इज द टाइप ऑफ रिजल्ट सप्लाइड बाय द सप्लायर। जो एक आपका जो सप्लायर है वो किस टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा? टी टाइप का, ओके? और इसके अंदर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही मेथड है, गेट मेथड, जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, बट वट एवर सप्लायर टेक एज ए टी, इट रिटर्न्स टी। ये टी को ही रिटर्न करेगा। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने एक क्लास बनाया है सप्लायर एग्जांपल, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नॉर्मल है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सप्लायर एक डबल टाइप का आर्गुमेंट लिया है, डबल रिटर्न टाइप जिसका हो, SUP नाम दिया, और मैथ डॉट रेंडम से मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये रिटर्न क्या करेगा, मैथ डॉट रेंडम मेथड एक डबल टाइप का, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ SUP.get। सो ये नॉर्मल है। अब इसको आप कॉपी पेस्ट करके आप रन भी कर सकते हो अपने इक्लिप्स में जाके। आपको मैं क्विकली यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें इंपोर्ट करना होगा आपको। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया सप्लायर को, और मैं जब रन करके इसको देखता हूँ, तो ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। ये देखिए डबल में वैल्यू रिटर्न कर दिया। तो सप्लायर इज नथिंग, इट्स जस्ट विदाउट टेकिंग एनी आर्गुमेंट इट रिटर्न्स द वैल्यू। तो ये सप्लायर हो गया। नाउ ये हमारे बेसिकली हमने क्या क्या कवर किया था, प्रेडिकेट पढ़ा था, प्रीडिफाइन फंक्शन पढ़ा, कंज्यूमर पढ़ा और सप्लायर पढ़ा। अब इसके कुछ आप देख सकते हो क्या क्या इसके कंपैरिजन मैं बेसिकली कर रहा हूँ। तो यहाँ की व्हाट इज़ प्रेडिकेट, तो टू टेक सम इनपुट एंड परफॉर्म सम कंडीशनल चेक, इसके लिए हम लोग प्रेडिकेट यूज करते हैं। अब कोई पूछेगा फंक्शन क्या है, तो फंक्शन टू टेक सम इनपुट एंड परफॉर्म रिक्वायर्ड ऑपरेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। ये ऑलवेज जो जिस टाइप का आप इनपुट में डालोगे वैल्यू, उस टाइप का ही रिजल्ट रिटर्न करेगा। प्रेडिकेट ऑलवेज रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, आपको ये पता होगा। कंज्यूमर, कंज्यूमर नाम से ही पता है आपको, कंज्यूम जो कि उस कंज्यूम करे, वट एवर द वैल्यू यू पास इट कंज्यूम इट एंड इट वॉन्ट रिटर्न एनी थिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। एंड सप्लायर जैसे आपकी आपको पता है, टू सप्लाई सम वैल्यू बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ये कुछ वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा बट कुछ रिटर्न करेगा। दीज आर टू टोटली अपोजिट। नाउ एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन कौन से हैं उसका नाम देख लीजिए। तो प्रेडिकेट के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि टेस्ट है। फंक्शन के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि अप्लाई है, और इसका रिटर्न टाइप आर जो कि ये टेक करेगा, इनपुट लेगा। इस टेस्ट का रिटर्न टाइप बूलियन है। देन कंज्यूमर, कंज्यूमर एक एक्सेप्ट टाइप है मेथड का नाम, और रिटर्न वाइड करता है। एंड देन सप्लायर जो कि एक गेट मेथड है, रिटर्न आर करेगा। डिफ़ॉल्ट मेथड क्या क्या है, एंड है, और है, नेगेट है फॉर प्रेडिकेट्स, एंड देन एंड कंपोज फॉर फंक्शन, एंड देन फॉर कंज्यूमर, एंड नथिंग फॉर सप्लायर। सो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, चेनिंग के लिए। प्रेडिकेट जॉइनिंग, फंक्शन चेनिंग, कंज्यूमर चेनिंग, मल्टीपल आपके पास फंक्शन को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए प्रेडिकेट्स के फंक्शन के दो ये जो एंड देन फंक्शन है इसको यूज़ करते हैं।
देन स्टैटिक मेथड क्या क्या है? एक स्टैटिक मेथड है प्रेडिकेट के अंदर में इज इक्वल, इक्वालिटी चेक करने के लिए, आइडेंटिटी जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका आइडेंटिटी के लिए। देन कंज्यूमर एंड सप्लायर डज नॉट हैव एनी फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।